नीतीश कुमार के साथ बिहार में बीजेपी ने बहुत बड़ा खेल कर दिया। नीतीश देखते रह जाएंगे और बीजेपी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देगी। ना सजा होगी ना जेल जाएंगे, तेजस्वी तो अब राजकुमार बन जाएंगे। लालू राबड़ी मीसा तेजस्वी सबके साथ क्यों खड़ी हो गई बीजेपी? 2024 से पहले बदलेगी बिहार की तस्वीर, खुलेगी तेजस्वी की तकदीर। कुछ दिनों पहले की बात है, पटना से लेकर दिल्ली तक हुई लालू परिवार पर सीबीआई की छापेमारी पर बीजेपी तालियां बजा रही थी। सुशील मोदी, रविशंकर प्रसाद से लेकर विजय कुमार सिन्हा तेजस्वी यादव के जेल जाने की भविष्यवाणी कर रहे थे। गुरुग्राम के मॉल, घर से मिले सोने, अमेरिकी डॉलर की फोटो पोस्ट कर हिसाब मांग रहे थे। 15 मार्च को लालू परिवार को जमानत मिलने के बाद भाजपाइयों ने कैसे लड्डू को फेंक दिया, ये सभी ने देखा। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि लालू परिवार को जंगलराज का जनक, लालू यादव को चारा चोर, तेजस्वी पर करोड़ों रुपए बनाने का आरोप लगाने वाली बीजेपी के सुर बदल गए? और ये सुर इतने बदल गए कि इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग करने लगी। लालू परिवार को सलाखों के पीछे भिजवाने वाली बीजेपी के नेता अब उनके जेल नहीं जाने की दुआ कर रहे हैं। दरअसल बिहार की राजनीति पिछले 3 दशकों से 3 ही पार्टियों के इर्द गिर्द घूम रही है, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी। जेडीयू कभी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाती है तो कभी आरजेडी के साथ मिलकर, लेकिन पिछले 18 सालों से बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही है। इतने दिनों में जेडीयू ने कई दौर देखे लेकिन सत्ता नीतीश के पास ही रही। लाख कोशिशों के बाद भी बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई। इस बात की टीस कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर है, इसीलिए अब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की फिराक में लगी रहती है। अभी की स्थिति और समय बीजेपी के लिए बिल्कुल मुफीद है कि वो अपना पासा फेंक दे और बिहार में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना पूरा कर ले। लेकिन इसके लिए 2 शर्त हैं जो बीजेपी ने मोटे तौर पर मान ली है। पहली शर्त, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। दूसरी शर्त, लालू परिवार को सजा ना हो, कम से कम 2024 तक लालू परिवार बचा रहे। मतलब बीजेपी अब खुद चाह रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री भी बन जाए और लालू परिवार को सजा ना हो। ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जी को चैलेंज भी करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने लालू यादव जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है, मगर नीतीश जी तिथि नहीं बताते। आरजेडी वाले आश्वस्त हैं, मैं नीतीश जी को कहता हूं, लोकतंत्र में पारदर्शिता होनी चाहिए। आपने अगर लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है तो आरजेडी वाले विधायक रोज एक दो करके मांग करें। आपको बता देना चाहिए कि हम उनको इस तिथि को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अमित शाह के अलावा बीजेपी के हर छोटे बड़े नेता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की पैरवी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी में अंदर खाने की बात करें तो जो प्रवक्ता लालू परिवार पर अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं तेजस्वी यादव को जेल हो जाएगी, वो दावा कर रहे हैं कि बड़े पुख्ता सबूत केंद्रीय एजेंसियों को मिल चुके हैं। ये सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात पर गौर करें तो बीजेपी के रणनीतिकार भी मन ही मन चाहते हैं कि 2024 और 2025 तक किसी को भी सजा ना हो। अब बीजेपी ऐसा क्यों चाहती है ये भी जान लीजिए। दरअसल बीजेपी का आंतरिक आकलन है कि अगर चुनाव के पहले लालू फैमिली में किसी को सजा हुई तो आरजेडी के वोट बैंक में 4% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। इसका सीधा असर आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की सीटों पर पड़ सकता है। और बीजेपी की सीटें बिहार में कम हो सकती हैं। बीजेपी ये कतई नहीं चाहती कि बिहार में उसकी सीटें कम हो, इसलिए उनके आकलन के अनुसार लालू परिवार को 2025 तक सजा न होना ये जरूरी है। अब दूसरी बात, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी को ही है। इतनी हड़बड़ी तो आरजेडी के विधायकों को भी नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने भी खुद कहा कि मुझे डिप्टी सीएम ही रहने दीजिए। लेकिन बीजेपी को इस बात की बेचैनी है कि तेजस्वी यादव को जल्दी ही सीएम बना देना चाहिए। सबसे बड़े दल के नेता है तेजस्वी यादव, सीएम नीतीश कुमार को न्याय करना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे कहते हैं कि बीजेपी बार बार तेजस्वी यादव को जो सीएम बनाने का दबाव बना रही है उसके पीछे बीजेपी का एक हिडन एजेंडा है। जिस तरह से राज्य में कानून तोड़ने का मामला बढ़ रहा है, ये बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा बन रहा है।